वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल्स गाइज, मेरा नाम है नफीस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तरफ से आया है एक नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है पिछले बार की तरह इस बार भी क्लास 11 और 12 का 30% सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा पिछले बार 30% सिलेबस क्लास 11 और 12 का कम कर दिया गया था, इस बार भी क्लास 11 और 12 का वैसे ही 30% सिलेबस कम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारा अपडेट है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे ही एडुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वेस्ट बंगाल में दिन ब दिन कोरोना वायरस केस कम होते चल जा रहा है। ऐसे में हाईली चांसेस है कि इस साल तमाम क्लास का एग्ज़ाम हो, इसीलिए 6 अगस्त को वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक मीटिंग रखा था और वो मीटिंग का एक नतीजा ये निकला है कि पिछले बार की तरह क्लास 11 और 12 का सिलेबस को 30% रिड्यूस या 30% कम कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार की तरह क्लास 11 और 12 का 30% सिलेबस कम भी हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है इस वजह से क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज होगा। दोस्तों, यहां पर याद रखने वाला ये बात है कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने बताया है कि उसी सब्जेक्ट का सिलेबस कम होगा जिसका थ्योरी का एग्ज़ाम 80 मार्क्स या उससे ज़्यादा होता है, और जिस सब्जेक्ट का थ्योरी का एग्ज़ाम 60 मार्क्स या उससे कम का होता है, जैसे म्यूज़िक, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो जिसका 60 नंबर या उससे कम का थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो सारा सब्जेक्ट का 30% सिलेबस कम होने वाला नहीं है, सिर्फ उसी का होगा जिसका थ्योरी एग्ज़ाम 80 मार्क्स या उससे ज़्यादा का होता है। इसके अलावा आपको दोस्तों बता भी दिया कि क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज होने वाला है, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है इसीलिए। लेकिन अभी सिर्फ ये बताया गया है कि 30% सिलेबस कम होगा, लेकिन सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हटा है, कौन कौन सा रहेगा, इसके बारे में आपको आगे चल के अपडेट मिलेगा। इसीलिए आपको नया क्वेश्चन पैटर्न पता करना है या सिलेबस पता करना है तो बोर्ड की तरफ से डेट दे दिया गया है, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर, 30 दिसंबर, 4 जनवरी, 12 फरवरी, 25 फरवरी, 5 मार्च, 10 मार्च, 22 मार्च और 25 मार्च। ये सब डेट में आप आकर वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, कैसे करके सिलेबस कम हुआ है और क्वेश्चन पैटर्न नया क्या होने वाला है, आप इस डेट में आके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फॉरवर्ड करें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। We'll be right back.